तो भाई लोग आज प्लान कर चुके हैं नेपाल राइड के लिए, और नेपाल राइड का टोटल जो खर्चा आता है आपको मैं बताने वाला हूँ। और मेन जो सीन है नेपाल में, मैं जब नेपाल में गया था थोड़ी दिन लगभग जो है 10-15 दिन पहले गया था, मेरा मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए, जो आँख का ऑपरेशन किया था तब गया था। तो नेपाल का जो टोटल खर्चा आया था मैं आपको बताने वाला हूँ, और मेनली जो नेपाल का एक दिन घूमने के लिए कितना चार्ज लेता है, जो एंट्री फीस होता है नेपाल का, वही मैं आज बताने वाला हूँ आपको। और जल्दी जो है हम नेपाल राइड करने वाले हैं, और 2-3 दिन के बाद प्लान कर रहे हैं। शक्ति भाई से मेरा बात हुई, और शक्ति भाई कौन है आपको अभी बताएंगे। शक्ति भाई है मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर फैन, जो मेरा लोकल का है, मेरे इधर से 5-6 किलोमीटर होगा, तो उधर है, उधर पे ही भाई का घर है। तो एक दिन मेरा फ्रेंड गया था, मेरा हेलमेट देख के भाई बोला कि एक जगह हेलमेट था, तो बोला भाई माउंट वाउंट लगा हुआ है तो क्या करते हो। तो मेरा दोस्त गया था, उससे पूछा, तो मेरा दोस्त ने मेरा नंबर दे दिया और फेसबुक अकाउंट भी दे दिया। फिर मेरे पास आया, मेरा दूसरा शॉप पे आया था, विज़िट किया था, और मुझे बोला कि मैं ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे भी थोड़ा हेल्प कर दो। और मैंने बोला, तो तब मेरा सब्सक्राइबर था गाइस 200 सब्सक्राइबर था मेरा, 230-240 सब्सक्राइबर था। और अभी लगभग जो है आपके सबके सपोर्ट से लगभग 5,500 हो चुका है। और फिर भी भाई बहुत मुझे सपोर्ट करता है, मेरा तो शॉप पे जब भी इधर आता है मेरे साइड, तो मेरा शॉप पे आते हैं और फुल्ली एकदम धमाकेदार हम पार्टी शार्टी भी करते हैं एक साथ। और अभी तक जो है उसके साथ एक भी जगह पे मैं नहीं गया हूँ, और फर्स्ट डे राइड जो है मैं उससे करने वाला हूँ भाई। 250 सब्सक्राइबर पे इतना फैन भाई, एकदम डाई हार्ड फैन मुझे बोलता है गाइस, मुझे बोलता है वो शक्ति भाई, मुझे बोलता है कि चलो गुरुदेव अंगले चलते, तेरा जितना भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, बाद में देना है। लेकिन भाई मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जो खुद के पैसे जाओगे कि भाई ऐसे किसी के पास से उधारी लेके कहीं पर जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भाई बाद में तो देना ही पड़ेगा, ऐसे भाई अटेंड नहीं है। तो जल्दी हम जो शक्ति भाई के साथ फर्स्ट में नेपाल राइड करने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे से अच्छे जगह को एक्सप्लोर करेंगे हम, और आपको दिखाएंगे। और नेपाल का जो खर्चा आता है, मैं जब गया था मेरा मम्मी का आँखों का ऑपरेशन के लिए, तब मुझे 150 रुपया पर था, 150 रुपया एक डे, मतलब एक दिन आप 150 रुपये से एक दिन आप घूम सकते हो नेपाल का। अगर नाइट स्टे करेंगे आप, तो आपको अलग से 2 दिन का चार्जेस करना पड़ेगा, फुल ट्यू एकदम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो पहले जब मैं गया था 2-3 साल पहले, तो तब मुझे सिर्फ 10 रुपया लगा था मेरा, और इस बार जब मैं गया तो, और उस बार एक काउंटर से हो गया था, अभी इस बार गया मैं तो गाइस 4 काउंटर पे जाना पड़ा। पहले काउंटर पे जो है एक स्लिप दिया, उसके बाद फिर दूसरा काउंटर पे भेजा, फिर तीसरा काउंटर पे, पहले जो स्लिप दिया हुआ पे 20 रुपया लगता है, बाहर देता है, उस स्लिप को लेकर आप अंदर जाना है, अंदर जाना के बाद फिर एक काउंटर मिलेगा, उससे उस पर फिर सिग्नेचर सील लेके फिर आपको फिर से जो है 150 रुपया देना पड़ेगा। टोटल 160-170 रुपया लगता है नेपाल के लिए, और एक दिन आप सिर्फ राइड कर सकते हो, लेकिन दिन जाके दिन मैंने जब जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपको रिटर्न आना पड़ेगा। अगर आप नाइट स्टे करोगे तो अलग से आपको चार्जेस लगेंगे, नहीं तो फिर गाइस फाइन लग सकता है, और फाइन अमाउंट मिनिमम जो है 1,000-1,100 रुपये के आसपास होता है। और अभी जो है पहले जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं ज़रूरत पड़ता था नेपाल के लिए, और अभी जो है आप जब एंट्री करेंगे तो आधार कार्ड आपको चाहिए, एकदम मस्ट आधार कार्ड लेके ही जाना, और वैक्सीन का कार्ड जो होता है वो लेके जाना। तो जल्दी हम राइड करने वाले, आपको फुल टू मज़ा देंगे, और एक इतना अच्छा अच्छा जगह एक्सप्लोर करेंगे नेपाल के, कुछ कुछ जगह मुझे पता है तो वो जाने वाला हूँ, बहुत सारे लोकल पे जो है वहीं पे जाएंगे फर्स्ट। और अच्छा लगे तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा दूर जाने की, तो जल्दी राइड करेंगे। और भाई वीडियो कंटिन्यूसली देखा करो, और अब जो है कंटिन्यूस में वीडियो डालने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे वीडियो डालने वाला हूँ, ब्लॉग करने वाला, और बहुत अच्छा अच्छा जगह पे मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो है सामने दुर्गा पूजा है, तो फुल टू रेडी हो चुके हैं, अभी दुर्गा पूजा में फुल टू धमाल मचाएंगे भाई लोग, और फुल पावर मस्ती करेंगे। और सोच रहे थे कि भाई हमारा जो NS है उसका कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे, और सोच रहा था कि एक एक्सपल्स लेने की, फिर भी देखते हैं, अभी फाइनल नहीं हो चुका, फाइनल होता है तो आपको मैं सब आप सब लोगों को बता दूंगा। और गाइस वीडियो भी मिस मत करना, हमें बहुत अच्छा अभी वीडियो डालने वाला हूँ, बहुत अच्छा जगह मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आज के लिए भाई इतना ही, और शक्ति भाई को थैंक यू।
या फिर शक्ति भाई को लेके जाऊंगा। और सो गाइस, नेपाल लाइट के वीडियो देखने के लिए, अपडेट्स मिलने देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो, और बाद में बेल आइकन को क्लिक करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए और आप वीडियो देख सको। और गाइस, नेपाल पर अगर किसी को भी अच्छा जगह कोई मालूम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर जाने की। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही।